हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये जानकारी आप लोग सुनेंगे और इसके बारे में ज़रूर मनन करेंगे है ना कि मैं मेरा जो टॉपिक है देख लीजिए यहाँ पे लिखा लिखाऊँ मैंने इस बार बी एड बी एड डी एल एड के लिए इतनी मारा मारी क्यों है है ना इसका कारण हम लोग देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स है ना कि आखिर इतनी मारा मारी क्यों है क्यों मतलब इतने अभ्यर्थी शामिल हुए इतने लोगों ने कैसे एग्ज़ाम दिया इतने लोगों ने फॉर्म कैसे भरा है ना क्यों उन ये सब होने का कारण क्यों है क्या कारण है कि इसके वजह से मतलब इतने लोग शामिल हो रहे हैं लोगों का रैंक जो है इतना ऊपर जा रहा है क्या कारण है इन सब को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं देखो फ्रेंड्स बहुत सारे कारण है इसमें कोई एक कारण तो रहता नहीं है जब इतनी भीड़ आती तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं रहता फ्रेंड्स है ना बहुत सारे कारण रहते हैं तो उन्हीं कारणों को हम लोग एक बार सरसरी तौर पे जानने की कोशिश करते हैं ठीक है तो चलो देखते हैं फिर तो देखिए फ्रेंड्स पहला जो कारण है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहला कारण है कि अभी जो जैसे चुनाव के पूर्व की बात है चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो लोकसभा चुनाव की बात हो तो उसके पहले जो शासन थे मतलब जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार थे जो भाजपा के है ना जितने भी उम्मीदवार थे या फिर भाजपा के जो मुखिया थे उनके तरफ से या फिर कांग्रेस के जो मुखिया थे उनके तरफ से ये मतलब सुनने को आया था कि हम लोग चुनाव जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद हम लोग सन्तावन हज़ार शिक्षकों की या फिर तैंतीस हज़ार शिक्षकों की भर्ती करेंगे पहले शुरुआत में तो संतावन हज़ार शिक्षकों की भर्ती की बात चल रही थी है ना लेकिन फिर वो कितना हो गया वो तैंतीस हज़ार में आके अटक गया तो ये बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स तैंतीस हज़ार शिक्षकों की भर्ती होनी है तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहते हैं है, है ना और वो तभी शामिल हो पाएंगे जब उनके पास क्या है डी हो या फिर बी हो या फिर डी हो है ना तो इस हेतु क्या हुआ जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते गई ये सत्तावन हज़ार शिक्षकों या फिर तैंतीस हज़ार शिक्षकों की भर्ती को देखते हुए लेकिन वर्तमान में अभी तक इसके लिए कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रही फ्रेंड्स है ना केवल आश्वासन मिल रहा है है ना तो हम लोग अपने मुद्दे की तरफ ही रहेंगे ये हुआ पहला मुद्दा ठीक है पहला कारण कि बी एड डी में इतनी भीड़ क्यों हो रही है आखिर पिछले वर्षों में ये सब तो नहीं था ऐसा है ना तो इसी साल ऐसा क्या हो गया जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई एक साथ ही दूसरा कारण देखते हैं फ्रेंड्स कि फीस कम है रेगुलर फीस की तुलना में देखो फ्रेंड्स इसमें यदि आप डी या फिर बी करना चाहते हैं तो बी के लिए आपको जो फीस पे करना है वो करना है लगभग सत्ताईस से अट्ठाईस हज़ार के आसपास ठीक है और यदि आप रेगुलर करते हैं तो रेगुलर में आपको फीस जो देना पड़ता है वो तैंतीस हज़ार या फिर चौंतीस हज़ार के आसपास, ये केवल फीस बस है ना और यदि आप नॉन अटेंडेंस वाले में जाते हैं या फिर कॉलेज जैसे नहीं जाना है आपको है ना जैसे कॉलेज नहीं जाना है तो इसके लिए फिर आपको इतना ही तैंतीस हज़ार चौंतीस हज़ार या फिर इससे अधिकतम पचास हज़ार साठ हज़ार ऐसा फीस पे करना पड़ता है कॉलेज नहीं जाने का तो एक एक कारण है और वहीं डी की बात करें फ्रेंड्स तो डी में जो फ़ीस है वो केवल और केवल कितना है दस हज़ार आठ सौ रुपये दस हज़ार तीन सौ रुपये आई थी दस हज़ार तीन सौ रुपये है कितना है दस हज़ार तीन सौ रुपये है फ्रेंड्स है ना और ये एक साल की फ़ीस है और वहीं रेगुलर जैसे आप करेंगे तो रेगुलर में आपका जो डी का फीस है फ्रेंड्स वो इक्कीस हज़ार बाईस हज़ार के आसपास है है ना? तो देखो ये दोनों में अंतर देखो कितना बड़ा अंतर है सीधा सीधा आप एक साल का दस हज़ार तीन सौ पे कर रहे हैं यदि आप सुंदरलाल शर्मा से कर रहे हैं तो और यदि आप व्यापम से कर रहे हैं रेगुलर मोड में कर रहे हैं तो आपको एक साल का इक्कीस से लेकर बाईस पे करना पड़ रहा है है ना जबकि इसमें केवल एक साल का दस हज़ार तीन सौ और इसमें एक साल का इक्कीस हज़ार बाईस हज़ार है मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ डी में आप दो साल में केवल बाईस हज़ार बीस हज़ार बाईस हज़ार के आसपास पे कर रहे हैं दो साल का वहीं आपको रेगुलर करने पे कितना करना पड़ा फ्रेंड्स लगभग ये साठ हज़ार के आसपास आप या फिर इसको बोल दिया जाए तो पचास के आसपास आप पे कर रहे हैं ठीक है तो देखो बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है फ्रेंड्स है ना फीस के मामले में भी आप आ, आपके पास जो बचत हो रही है वो लगभग तीस हज़ार के आसपास की बचत हो रही है इसमें है ना प्लस यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप रेगुलर में जैसे कर रहे हैं तो आपको कॉलेज नहीं जाना है कैसे नहीं जाना है या तो आप पी की कोचिंग कर रहे हैं या फिर व्यापम की कोचिंग कर रहे हैं है ना तो आप रेगुलर नहीं जाएंगे करके बोलेंगे तो उसका अलग चार्ज करेंगे फिर मान के चलिए बीस हज़ार बाईस हज़ार रुपये अलग चार्ज करेंगे समझ में आ रहा है तो ये इस अंतर के चलते भी क्या हो रहा है कि बी एड और डी एड में जो है पर्याप्त भीड़ इकट्ठा हुई है ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं अगले कारण की तरफ कि समय कम लगता है देखो यदि आप यहाँ से बी एड कर रहे हैं या फिर डी एड कर रहे हैं ठीक है तो इसमें समय बिल्कुल कम लगता है दस दिन का समय इसमें भी लगने वाला है और दस दिन का समय इसमें भी लगने वाला है मतलब बी भी करेंगे तो केवल दस दिन आपको देना है और डी कर रहे हैं तो भी आपको दस दिन देना है ये दस दिन का केवल प्रशिक्षण है है ना और इस दस दिनों में फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा आप जो परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ठीक तो बिल्कुल कम समय लग रहा है वहीं आप रेगुलर में जैसे करेंगे फ्रेंड्स है ना रेगुलर में यदि आप कर रहे हैं तो आपको लगातार क्या है कॉलेज जाना है है ना लगातार क्या करना है आपको कॉलेज जाना है फिर अध्ययन में जाना है एक दो तीन महीने आपको अध्ययन में जाना है तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मिल गया है फुर्सत मिल गई है इसमें यदि आप सुंदरलाल शर्मा से कर रहे हैं तो तो इसके चलते भी बहुत सारे स्टूडेंट इसी को प्रिफर करेंगे कि हम लोग सुंदरलाल शर्मा से ही डी या फिर बी करेंगे पहली लिस्ट में यदि उनका नाम आता है तो मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि हंड्रेड परसेंट अभ्यर्थी जो है वो ये बी को या फिर डी को सुंदरलाल शर्मा से ही करना पसंद करेंगे ठीक है अगला कारण है देख लेते हैं फ्रेंड्स डिस्टेंस मोड के कारण रेगुलर कोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है देखो यदि आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं है ना आप बी कर रहे हैं या फिर डी कर रहे हैं ठीक है तो क्या यदि आप कोई रेगुलर कोर्स में भर्ती ले लिए मान लेते हैं आप स्नातक कर, कर, कर रहे हैं बी है? कर रहे हैं एम कर रहे हैं ठीक है पी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं है ना तो आपको आ, वो भी आप साथ में कर सकते हैं और ये भी आप साथ में कर सकते हैं ये भी चलता रहेगा वो भी चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसी के चलते जो मैक्सिमम स्टूडेंट है इसी को क्या कर रहे हैं प्रीफर कर रहे हैं फ्रेंड्स है ना मतलब आप जैसे स्नातक रेगुलर कर रहे हैं रेगुलर यदि आप स्नातक भी कर रहे हैं तो आप तीसरे साल से मतलब आप अंतिम साल से इसको डी को कर सकते हैं ठीक है या फिर आप जैसे अंतिम वर्ष में हैं तो आप बी के लिए जैसे पात्र नहीं है तो आप डी के लिए जरूर पात्र तो आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं स्नातक करते करते सुंदरलाल शर्मा से डी एल एड कर ही लेते हैं है ना मतलब उनका जैसे स्नातकोत्तर में या फिर पी में जैसे ही वो प्रथम वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उनका जो दो साल का डी है वो सुंदरलाल शर्मा से कम्प्लीट हो जाता है यदि वो स्नातक अंतिम वर्ष से डी करना प्रारंभ करते हैं तो है ना तो इस कारण से भी इसमें जो है वो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है अगला कारण है हमारे पास फ्रेंड देखो पूरा बी अभ्यर्थियों का शामिल होना देखो बहुत से बी अभ्यर्थी भी इस बार क्या किए हैं डी का एग्ज़ाम दिलाए हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को पता होगा कि बहुत से बी अभ्यर्थी इसमें मैं मान के चल रहा लगभग फिफ्टी तो कम से कम जो तैंतीस है ना तैंतीस चौंतीस हज़ार जितने लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं डी का उसमें से फिफ्टी परसेंट लोग तो बी धारी होंगे ठीक है जिन्होंने क्या किया है कि डी एल एड भी किया है क्यों किया है इसका कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ है ना? अगला कारण है बी एड वालों को सहायक शिक्षक पद से हटाना देखो जो जिन बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे अभी रिसेंटली सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे मतलब नया नया ज्वाइन किए थे अब उनको क्या किया शासन ने हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है ठीक है बीएड वालों को तो अब बीएड वाले क्या कर रहे हैं ये डी में आके शामिल हो रहे हैं कि हम लोग सहायक शिक्षक यदि हमको रहना है सहायक शिक्षक बनना है तो फिर हमें डी एल एड कंपल्सरी रूप से करना होगा ऐसा करके बीएड जो अभ्यर्थी थे बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे वो भी इसमें आके कूद पड़े हम है।, है ना तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ तो बढ़नी है फिर अगला कारण है कि इंजीनियरिंग करने वाले का शिक्षक बनने की तरफ मुड़ना देखो बहुत सारे ये जो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं है ना वो अभी क्या कर रहे हैं वो या तो बी की तैयारी में लगे हुए हैं या चलो भैया किसी तरह से डी हो जाए ऐसे जुगाड़ में लगे हुए हैं है ना तो वो लोग भी अब जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग में तो कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है है ना कई सालों से जो बीएड जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो अभी तक पढ़े हैं ऐसे ही है ना उनके पास ना तो जॉब है और घर से अलग सुनने को मिल रहा है समाज से अलग परिवार से अलग सुनने को मिल रहा है ना और इसका स्कोप भी जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है ऐसा करके तो वो लोग भी बीएड और डीएलएड की तरफ रुख किए हुए हैं फ्रेंड्स इसके चलते भी आपके लिए जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई है अगला कारण फ्रेंड्स चयन पश्चात ठीक ठाक सैलरी मिलना मान लेते हैं यदि आप आ, किसी पद को धारण करते हैं चाहे चाहे वो सहायक शिक्षक की पद हो शिक्षा की पद हो या फिर व्याख्याता की पद हो है ना यदि आप एक बार चयन हो जाता है आपका तो फिर ठीक ठाक आपको सहायक शिक्षक यदि आप बन रहे शुरुआती चरण में तो आपको तैंतीस चौंतीस पैंतीस हज़ार के आसपास शुरुआत में सैलरी मिलेगी फ्रेंड्स शिक्षक बन जा रहे हैं तो आपको लगभग पचास पचास हज़ार के आसपास जो है सैलरी मिलना प्रारंभ होगा शुरुआत से ही और व्याख्याता बन रहे हैं तो फिर इसको आप मान के चलिए बावन अट्ठावन के आसपास आपको ये सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगा मतलब ये ठीक ठाक सैलरी है इसके पहले जिनका भी चयन होता था ना चाहे वो सहायक शिक्षक के रूप में हो शिक्षक के रूप में व्याख्याता के रूप में हो तो बहुत कम सैलरी मिलती थी जैसे हमने शुरुआत में जब नौकरी ज्वाइन की थी फ्रेंड्स तो हमें जो सैलरी मिलती थी वो केवल ये इतना ही मिलता था चार हजार पाँच सौ चार हजार चार सौ चौवालीस सौ के आसपास से हमने अपना जो है शिक्षा की जो, जो कार्य है उसको प्रारंभ किया है और अब जाके हम लोग थोड़े से अच्छे मतलब सैलरी को प्राप्त कर रहे हैं वो भी कितने सालों में सोलह सत्रह वर्ष लग गए हमको उतनी सैलरी मिलने में लेकिन अभी जो नए हैं जो नए शिक्षक बन हैं उनको तो शुरुआत में ही हमारे जितना सेवा नहीं करे हैं है, है ना उसके बाद भी उनको शुरुआत से ही इतनी लंबी सैलरी मिलने वाली है ठीक ठाक अगला कारण ये भी है फ्रेंड्स कि आसानी से अभी क्या मिल जा रहा है अनुभव प्रमाण पत्र मिल जा रहा है यदि आप डी करना चाहते हैं या फिर बी करना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी से अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए जा रहे हैं है ना इसके कारण भी लोग क्या कर रहे हैं चलो इतने पैसों को कौन मतलब डरे इसलिए अच्छा है कि चलो आसानी से डी एल एड बी कर लिया जाए ऐसे करके वो लोग भी आसानी से इसी में आ जा रहे हैं है ना एक और महत्वपूर्ण कारण मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स देखो जैसे मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ तो बी और डी -एड, डी एड करने वालों की जो भीड़ थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी बी में यदि आप आ, करना चाहते थे मैं अब इसको तो जग जाहिर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत एक सीट के लिए आपको लगभग दो से ढाई लाख पैसा देने की ज़रूरत पड़ रही थी दो सालों के लिए दो से ढाई लाख पैसा बी करने के लिए पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं और डी करने के लिए आपको एक लाख के आसपास पैसा पे करने की ज़रूरत पड़ रही थी पिछले साल यदि आप काउंसलिंग में पहली काउंसलिंग में अपना पद मतलब सीट छोड़ दिए दूसरी काउंसलिंग में छोड़ दिए तो आने वाले मतलब काउंसलिंग में फ़ेस टू फेस अगर आपको करना था उस टाइम पे आपको इतना रुपए चुकाने की जो जुगाड़ थी वो जमाई गई थी कि आप इतना रुपए चुकाइए और सीट प्राप्त कर लीजिए ऐसे करके है ना तो इसकी तुलना में फ्रेंड्स सुंदरलाल शर्मा से, से यदि आप बी एड करना चाह रहे हैं तो देखो लगभग साठ हज़ार के आसपास में आपका यहाँ से बी हो जा रहा है है ना और बीस हज़ार के आसपास से बीस बाईस हज़ार के आसपास से आपका यहाँ से डी हो जा रहा है और कोई किसी भी प्रकार की झंझट भी नहीं है बहुत आसानी से आपका डी एड बी एड हो जा रहा है यहाँ से तो इन सब कारणों की वजह से फ्रेंड्स इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिली है बी एड के अंदर भी और डी एल एड के अंदर भी है ना पिछले वर्षों में यदि आप जाएँ तो आ, मैं पिछले वर्षों का अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को डी एल एड के लिए विशेष करके डी एल एड में क्या होता था जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं किए थे जो फॉर्म फिलअप भी नहीं करते थे उनको फेस टू फेस में भी आने का अवसर मिलता था समझ में आ रहा है जो कोई एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग के जैसे आवेदन किए है ना ऑनलाइन काउंसलिंग प्लस आवेदन दोनों एक साथ होता था एक हज़ार फीस करना था पे अब उसमें जैसे वो फॉर्म फिलअप भी नहीं किया है तो यदि वो स्नातकधारी या फिर वो डी करना चाहता है है ना यदि उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो बिना मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हुए सीधा फेस टू फेस के लिए उनको मौका मिलता था मतलब अभ्यर्थी नहीं मिलते थे पता है बहुत ही मुश्किल से अभ्यर्थी उसमें शामिल होते थे लेकिन इस बार क्या हुआ है जो तैंतीस हज़ार सत्तावन हज़ार शिक्षक भर्ती है ना और जो शिक्षक पद से बी वालों को जो हटाया गया है जो हटाया जा रहा है है ना एन की गाइडलाइन के अनुसार तो उस सब के चलते क्या हो रहा है जो अब बी एड करने वाले भी जो अभ्यर्थी जो पहले पूर्व में बी एड कर चुके हैं वो अब क्या है डी एड कर रहे हैं क्योंकि डी एड में जो ह्यूज नंबर आने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग तैंतीस हज़ार शिक्षक तो सहायक शिक्षक के देखने को मिलेंगे ऐसा सुनने को मिला था लेकिन ये इतना बड़ा डिजिट है ये इतना डिजिट नहीं आएगा सहायक शिक्षक भर्ती के लिए मैं ये मान के चलता हूँ जैसा भी हो आप लोग आप डी एड बी एड में जैसे ही आपका नाम आता है तो निश्चित रूप से शामिल होइए चाहे वो व्यापम से आप करना चाहें या फिर सुंदर लाल शर्मा से करना चाहें आपको जो बेस्ट लगता है आप वहाँ से करिए और मैं तो ये कहूँगा जैसे आप सुंदर लाल शर्मा से करना चाहते हैं तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है है ना बजाय रेगुलर करने के ठीक है फ्रेंड्स तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं ठीक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ धन्यवाद